हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट से है। स्टार्ट। ईश्वर या प्रकृति ने मनुष्य को दवाओं के साथ पैदा नहीं किया, दवाएं आदमी ने बनाई। दवाओं की आवश्यकता अस्वस्थ होने पर पड़ी। पशुओं को देखें, पालतू पशुओं को नहीं, स्वाभाविक और मुक्त जीवन बिताने वाले पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि। इन प्राणियों ने किसी चिकित्सा प्रणाली की खोज नहीं की, न कोई अस्पताल ही खोले, पर वे मनुष्य से अधिक स्वस्थ हैं, अपनी पूरी आयु तक जीते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि केवल चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ने से मनुष्यों का स्वस्थ रहना संभव नहीं है। आज जितने अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, उतने ही रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। अतः स्वस्थ रहने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, इस पर विचार करना आवश्यक है। स्वास्थ्य एक वरदान अनेक प्रकार के सुख मनुष्य जीवन में माने गए हैं। सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, भव्य निवास, सुखद मनोरंजन, वंश वृद्धि, शक्ति और अधिकार प्राप्ति आदि आदि सुखों के विविध स्वरूप हैं। किंतु गहराई में देखें तो शरीर की निरोगता या स्वस्थता ही सबसे बड़ा सुख है। तभी तो कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। सारे सुखों का आनंद स्वस्थ व्यक्ति ही उठा सकता है। कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन उमंग रहित, पराश्रित और असंतोष से पूर्ण रहता है। वातावरण का प्रदूषण, अनियमित दिनचर्या, विषम जलवायु, संक्रमण, असंतुलित भोजन, कुपोषण, अनियंत्रित आचरण तथा स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता आदि अस्वस्थता के प्रमुख कारण हैं। स्वास्थ्य का संबंध तन और मन दोनों से है। केवल शरीर की स्वस्थता ही पर्याप्त नहीं है, मन का स्वस्थ होना भी परम आवश्यक है। प्रणाली में व्यतिकरण उत्पन्न होना रोग है। रोग से मुक्त होने के लिए औषधि ली जाती है, चिकित्सा कराई जाती है, लेकिन तनिक तनिक सी बातों पर दवाओं का सेवन करना लाभ के बजाय हानि पहुंचाता। आजकल स्वास्थ्य सुविधाओं अथवा चिकित्सा सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार हुआ है। विज्ञान की कृपा से नित्य नई औषधियां सामने आ रही है, अस्पताल खुलते जा रहे हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम समझते थे कि जितने अधिक अस्पताल और डॉक्टर होंगे, लोगों का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा, परंतु यह भ्रम अब टूटता जा रहा। चिकित्सा पर निर्भरता का परिणाम रोगों से बचने की जो क्षमता हमें प्रकृति से प्राप्त हुई थी, वह निरंतर कम होती जा रही है। औषधियाँ एक रोग को ठीक करती हैं तो 10 को पैदा कर रही हैं। उनकी प्रतिक्रियाएँ बड़ी जटिल और दूरगामी हैं। नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं,
कैंसर और एड्स जैसे असाध्य रोग आम होते जा रहे हैं। बच्चे भी मधुमेह तथा रक्तचाप से पीड़ित हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में रोगियों का शोषण भी बड़ी समस्या बन चुका है। आवश्यक जांचें कराना शोषण का लज्जाजनक पहलू है। पहले स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य समाज में आहार और व्यवहार के आवश्यक नियम प्रचलित थे। जागने, सोने, खाने, पहनने तथा दिनचर्या का एक निश्चित विधान था। आज उसे पुराणपंथी आचार मानकर त्याग दिया गया है। एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है कि सभ्यता ने मनुष्य को जो सबसे हानिकारक वस्तु दी है वह है देर से सोना तथा देर से जागना। एक कहावत है, इलाज से बचाव अधिक महत्वपूर्ण है। रोगों से बचाव कैसे हो, इसके लिए स्वस्थ जीवनचर्या को अपनाना ही एकमात्र उपाय है। उचित आहार विहार, व्यायाम, स्वच्छता, सावधानी अपनाने से शरीर बलवान, रोग प्रतिरोधी क्षमता युक्त और स्वस्थ रहेगा। अस्पतालों पर निर्भरता घटेगी। हमारे शास्त्रों में योग द्वारा स्वस्थ रहने की विधियां लिखी हुई हैं। हजारों व्यक्ति योगाभ्यास से स्वस्थ होते रहे हैं। औषधियां अथवा अस्पताल कभी स्वास्थ्य का विकल्प नहीं बन सकते। अतः हमें अपने ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई स्वस्थ रहने की विधियों को अपनाकर ही अपने तन और मन को स्वस्थ रखना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 68% है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि वह अपनी जमीन पर अपने मेहनत तथा धन से अन्न उगाता है और बहुत ही मामूली कीमत पर साहूकारों को बेच देता है। किसान अधिक शिक्षित नहीं होते तथा आर्थिक रूप से मजबूत भी नहीं होते। किसान कृषि के अलावा पशुपालन पर निर्भर होते हैं। किसान हल और बैल के सहायता से भूमि को चीरकर उसमें बीज बोते हैं तथा बड़े धैर्य के बाद वहां से अन्न निकालते हैं। आज़ादी के बाद दशकों तक किसान हे स्तर का जीवन जीते रहे और कभी रोग से तो कभी कर्ज से अपनी जान गंवाते रहे। किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बहुत ही चिंतनीय हैं। आज भारत के किसानों की हालत सुधरी है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने किसानों के लिए बहुत सी योजनाओं का निर्माण किया है, जैसे गरीब किसान कल्याण योजना, पीएम किसान योजना इत्यादि, जिनसे गरीब किसानों के जीवन में परिवर्तन आए हैं। भारत के किसानों की शिक्षा दीक्षा न के बराबर होती है। बचपन से ही किसानों के बच्चे खेतों में अपना समय देते हैं, जिसके कारण वे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण पैसों की कमी है, जिसके कारण किसान तथा उनका परिवार पोषण युक्त आहार नहीं ले पाता और तमाम बीमारियों से घिर जाता है। अशिक्षा और अजागरूकता के कारण किसान अपनी जमीन तथा
अनाज का उपयुक्त दाम नहीं ले पाता और शोषण का पात्र बनता है। अधिकतर किसानों का विवाह बहुत ही कम उम्र में कर दिया जाता है, जिससे निर्वहन तथा सामाजिक दबाव उन पर बढ़ जाता है, जिसके कारण उन्हें अपने अनाज को कम दाम पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। समाप्त।